सो गाइस, एटीएम मशीन से पैसे कैसे जमा किया जाता है वो उसको हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। एटीएम मशीन में आए हुए हैं अभी एसबीआई का, तो ये देख सकते हो। तो इस मशीन से आप कैश जमा कर सकते हो तुरंत ही अपने अकाउंट में। सो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिए हैं अभी, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर जो आपके बैंक अकाउंट में कनेक्ट हो वो मोबाइल नंबर, और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। अकाउंट नंबर फिर से डाल देते हैं, यहाँ पर अकाउंट नंबर दिया गया है 11 डिजिट का, उस अकाउंट नंबर को डाल देते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल चुका है, अब यहाँ पर नाम आ जाएगा आपका, जो आपका बैंक अकाउंट में है वो नाम। और यहाँ पर आपका मशीन जो है खुल जाया रहता है, ये देख सकते हो। यहाँ पर नोट को डाला जाएगा केस को, ये देख लीजिए डल चुका है, तो भाई बंद हो गया। अब ये यहाँ पर डिस्प्ले में आपको बताया जाएगा, मशीन चालू हो गया, गिर रहे पैसे को, आपको आवाज़ आ रहा होगा, प्लीज वेटिंग वैलिडेटिंग केस बोल रहा है डिस्प्ले में, ये देख लीजिए। थोड़ी देर वेट करते हैं और कुछ नोट बच गए गाइस, ये थोड़ा सा इसको फिर से, ये पुराना वाला है शायद, नहीं चलेगा क्या यार, डाल के देख रहे हैं एक बार और ट्राई करके। अच्छा, तो जितना भी 500 का नोट है वो डल चुका है, जो सही रहना चाहिए। अच्छा, नोट सही होना चाहिए गाइस, कटा फटा नहीं। ठीक से मशीन गिर रहे हैं केस को, प्लीज वेटिंग वेलिडिटी, शायद इस बार हो गया, नहीं डल रहा है, फिर से वापस कर दिया। तो क्या करना पड़ेगा, अब उतना ही डाल दो, कंफर्म, फटाफटा नोट नहीं चलता गाइस, उसको रिटर्न कर देता है। तो हमारा जो पैसे है कैश वो जमा हो चुका है और मैसेज भी आ चुका है, इधर रिसिप्ट मिल गया हमको, ये देख लीजिए, इस तरह से आपको रिसिप्ट मिल जाएगा। सो कुछ इस तरह से आप भी एटीएम में कैश जमा कर सकते हो गाइस, ना कि आप बैंक में जाकर लाइन लगना आपको नहीं पड़ेगा। तो यही था